12 और 24 घंटे के रूप में समय भाग एक रीडिंग 12 एंड 24 आवर क्लॉक पार्ट वन। आज हम जानेंगे कि समय को कैसे लिखा जाता है और समय लिखते समय एएम और पीएम का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। मैं डांस सीखना चाहती हूँ पर कहाँ से सीखूं? मेरी कॉलोनी में एक डांस स्कूल है, वहाँ पर सीख सकती हो। मैंने भी छुट्टियों में वहाँ डांस सीखा था, बहुत मजा आया था। हम दोनों साथ में सीख सकते हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे पास डांस क्लास की कोई जानकारी है? हाँ है ना, उनका पैम्फलेट है मेरे पास। अरे फिर दिखाओ ना। घर चलो दिखाती हूँ। देखो ये रहा डांस क्लास का पैम्फलेट। दिखाओ। इसमें डांस स्टाइल और टीचर का नाम तो लिखा है, लेकिन किस समय सिखाते हैं वो नहीं लिखा। जरूर लिखा होगा, ध्यान से देखो। अरे हाँ, इसमें तो समय लिखा ही नहीं है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नेहा, क्या देख रहे हैं आप दोनों? आंटी मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। हाँ मम्मी, इसलिए मैं भी दोबारा डांस सीखने के बारे में सोच रही हूँ। सोचना क्या, आप दोनों साथ में डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जी आंटी, हम वही प्लान कर रहे हैं, लेकिन इस पैम्फलेट में डांस क्लास का समय नहीं लिखा है। दिखाइए। अरे इसमें तो डांस क्लास का समय लिखा हुआ है। कहाँ पर? ये देखिए। ये टाइम है, इसमें तो कहीं भी घंटा या मिनट नहीं लिखा है। ओह, इसका मतलब अभी आपको समय के बारे में सिखाया नहीं गया है। नहीं आंटी ऐसा नहीं है, हमको घड़ी देखनी आती है। अच्छा, फिर तो आप आसानी से ये समझ लोगे। देखिए यहाँ पर लिखा है बैच एक और इसके सामने बैच एक का समय लिखा है 6:00 से 7:30 तक। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट को बताने के लिए उनके बीच में दो बिंदु लगा देते हैं? हाँ, और ये बिंदु नहीं है, इस चिन्ह को कोलन कहा जाता है। और समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में पेपर पर लिखा जाता है। देखिए अभी हमारे घर की घड़ी में 2:20 हुए हैं, तो इसे इस तरह लिखा जाएगा 2:20। अच्छा, इसका मतलब पहला बैच 6:00 से 7:30 तक है। हाँ, फिर उन्होंने ये जानकारी दो बार क्यों लिखी? दो बार कहाँ लिखा है? ये देखिए, बैच एक के सामने और बैच 6 के सामने एक ही समय लिखा है 6:00 से लेकर 7:30 तक। नहीं, ये दोनों अलग अलग समय हैं। बैच एक सुबह के समय है और बैच 6 शाम के समय है। आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने लिखा है। देखो बैच एक के लिए जो समय लिखा है उसके आगे AM लिखा है, जबकि बैच 6 के लिए जो समय लिखा है उसके आगे PM लिखा है। AM, PM, इनका क्या मतलब होता है आंटी? AM रात के 12:00 से दोपहर के 12:00 तक होता है, इसलिए AM दोपहर से पहले के समय को दिखाने के लिए लिखा जाता है और PM दोपहर के 12:00 से रात के 12:00 तक होता है, इसलिए PM दोपहर के बाद के समय को दिखाने के लिए लिखा जाता है। मतलब समय को जब लिखना हो तब इसकी जानकारी के साथ लिखना होगा कि ये दोपहर के पहले का समय है या दोपहर के बाद का। हाँ, लेकिन AM PM का मतलब क्या है? AM का फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम। लैटिन भाषा में एंटे का मतलब होता है पहले और मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर, इसलिए एंटी मेरिडियम का मतलब हुआ दोपहर से पहले। ओह, इसका मतलब PM की फुल फॉर्म का मतलब होता होगा दोपहर के बाद। हाँ, PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट का मतलब है बाद में और मेरिडियम का दोपहर, इसलिए PM का मतलब हुआ दोपहर के बाद। इसका मतलब डांस क्लास का बैच 3 दोपहर के पहले 11:00 शुरू होता है और दोपहर के बाद 12:30 पर खत्म होता है।
बिल्कुल सही। अब आप समय को पढ़ना और लिखना सीख गए। हाँ मम्मी, आप भी टीचर बन सकती हो। आज आपने सीखा कि समय को घंटा कोलन मिनट के रूप में लिखा जाता है। समय के आगे AM तब लिखा जाता है जब दोपहर से पहले का समय लिखना हो। समय के आगे PM तब लिखा जाता है जब दोपहर के बाद का समय लिखना हो। AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम, जिसका अर्थ होता है दोपहर से पहले, और PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम, जिसका अर्थ होता है दोपहर के बाद।